तो ये गणेशपुर के जो विजयी उम्मीदवार है ये गणेशपुर में पहुंच गए हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवार गणेशपुर जिला परिषद क्षेत्र के उम्मीदवार श्री यशवंत जी सोनकुसरे और गणेशपुर पंचायत समिति क्षेत्र के उम्मीदवार सौ कीर्ति गणवीर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुन के आए हैं। तो ये इनका विजय जल्लोष किस तरह से चल रहा है ये आप देख सकते हैं। ये फटाखों की मार लगाई हुई है और ये इनके विजय उम्मीदवार इधर दिख रहे हैं। तो ये फटाखे फोड़कर ये अपना जश्न मना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो हम ये यशवंत जी सोनकुसरे गणेशपुर जिला परिषद क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन चुन के आए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। यशवंत सर जी, आप गणेशपुर जिला परिषद क्षेत्र से चुन के आए हैं, तो अभी आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए आगे की क्या प्लानिंग है? इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा विकास हो सके, मूलभूत सुविधा और क्षेत्र का हर काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की मेरी कोशिश रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे हम तीनों उम्मीदवार मिलके। अच्छा। हमको जनता ने प्रचंड बहुमत से चुन के दिया, इसलिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इस माध्यम से। तीनों उम्मीदवार को बहुत बड़ी मात्रा में प्रचंड बहुमत से विजय किया, धन्यवाद। तो इस तरह से हमने गणेशपुर जिला परिषद क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की। अभी गणेशपुर अभी ये बेला पंचायत समिति क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप अभी आपके क्षेत्र के लिए आपके क्या प्लानिंग है? हम अपने क्षेत्र के लिए जो काम पड़ेगा वो काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतना काम करेंगे। और ये हमारे गणेशपुर पंचायत समिति क्षेत्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार हैं सौ कीर्ति गणवीर, तो हम उनसे बात करते हैं। तो आप अपने गणेशपुर जो पंचायत समिति क्षेत्र है उसके विकास के लिए क्या रूपरेखा है आपकी? हाँ, मराठी में बात कर सकते हैं। मी कीर्ति नरेंद्र गणवीर, लोकांनी माझ्यावर पंचायत समिति च्या लोकांनी माझ्यावर जो विश्वास ठेवला त्या विश्वासाला मी तडा जाऊ देणार नाही। जे लोकांचे काम आहेत ते काम मी करण्यास तत्पर तयार आहे। तो इस तरह से ये विजय उम्मीदवार जो गणेशपुर जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तिकड़ी मारी है, यहाँ से तीनों के तीनों उम्मीदवार राष्ट्रवादी पार्टी के चुन के आए हैं। तो ये गणेशपुर क्षेत्र पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस में हो गया है। तो हम प्रफुल्ल भाई पटेल से भी आशा करते हैं कि अभी ये गणेशपुर के बारे में सोचेंगे और गणेशपुर क्षेत्र का विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे और गणेशपुर क्षेत्र का विकास करेंगे, यही हम आशा करते हैं। अभी आप इनका विजय जल्लोष एंजॉय कीजिए। अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।